हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं हूं आपकी मेंटर अंकिता मैम। एंड हमने कल के लेक्चर में अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर फर्स्ट खत्म किया था, जिसमें हमने रूट्स के बेसिक चीज़ें सारी, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली फोटो ऑटोट्रॉपिक होती है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने रूट्स के सिस्टम पढ़े, जैसे कि टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम इज समथिंग जब रूट डायरेक्टली रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से ही जनरेट होती है। रेडिकल पार्ट से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट्स बनती हैं। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स में अगर रेडिकल के अलावा किसी भी अदर पार्ट से हमारा रूट का ओरिजिन हो रहा है, रूट्स बन रही है या फिर सिस्टम बन रहा है, तो हम उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे वीट, बार्ली, फिर उसमें फाइबरस रूट, हमने एस्पैरगस देखा था, ये सारी चीजें की हमने। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम जिस टॉपिक पे पहुंचे थे, फंक्शन ऑफ रूट, कि रूट का फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट। तो मेनी ऑफ अस नोज द फंक्शंस ऑफ रूट, लेट गेट स्टार्टेड विद द फंक्शन। तो आवर टॉपिक विल बी फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शंस ऑफ रूट क्या करता है रूट? रूट बहुत सारी चीजें में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूट्स नहीं होगी, हम मिट्टी में पानी डालते हैं ताकि वो रूट से एब्जॉर्ब हो, राइट? तो सबसे पहली चीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल में प्रेजेंट जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट्स करता है। ठीक है, उसके बाद रूट का काम क्या है भाई? रूट ही तो है जो पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है, रूट ही तो है जो पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एंकरेज, एंकरेज, एंकरेज टू द प्लांट। रूट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स। ठीक, एक और चीज, बहुत सारे ऐसे पीजीआर है, व्हाट इज पीजीआर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो रूट सिंथेसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन। तो हम फंक्शन में ये भी लिख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ, synthesis of plant growth regulator, synthesis of plant growth regulator। ठीक, synthesis of, तो हमने पहले पढ़ा absorption कराता है, बिल्कुल कराता है water minerals के absorption soil से, from the soil। आप note down कर लो यहाँ पे चाहो तो, from the soil, obviously from the soil। ठीक है, soil से ये absorption कराता है। उसके बाद हमारा सेकेंड है एंकरेज टू द प्लांट, पकड़ के रखा है मिट्टी में उसको। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सम पीजीआर लाइक ऑक्सिन एंड सो मेनी थिंग्स, राइट इट डाउन, डन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई हमने रूट का फंक्शन देख लिया, हम हमेशा से जानते थे कि रूट का यह फंक्शन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रूट अपने फंक्शन को छोड़ के कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करने लगता है, तो हम उस चीज को कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशन आ गए, हमने उसको बोला मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन रूट प्रेजेंट। तो द टॉपिक विल बी मॉडिफिकेशंस इन रूट। रूट में क्या मॉडिफिकेशन है, रूट्स में क्या मॉडिफिकेशन और किस चीज के लिए, तो किस चीज के लिए से शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज, ठीक है, फॉर फूड, फॉर फूड स्टोरेज। कुछ रूट्स क्या करती है, अपने अंदर फूड को स्टोर करती है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। खाना स्टोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, खाना स्टोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं। अब क्या होता है, टैप रूट भी कर सकती है और एडवेंटिशियस रूट भी कर सकती है। तो इसी को यहीं पर सब डिवाइड कर लेते हैं कि एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन आपको बताती हूँ, जहां पे क्या होता है, जहां पे खाना स्टोर होता है, टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन। सिमिलरली इसी तरीके से एडवेंटिशियस रूट भी कभी कभी मॉडिफाई कर जाती है, जैसे कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन, और वो भी एडवेंटिशियस टाइप ऑफ, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स राइट डाउन द एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमारे पास टैप रूट मॉडिफिकेशन में एग्जाम्पल होगा क्या, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश, ये तीन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हमारे लेवल पे ये सफिशियंट होंगे। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो फूड स्टोरेज के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं।
ठीक है, ये तीन आपको एग्जाम्पल से याद रखने। उसके बाद जैसे कि हमने फूड स्टोरेज देखा, फूड स्टोरेज के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट और भी चीजों में हेल्प करता है, जैसे सपोर्ट, सपोर्ट में कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जो ग्रो करके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा, हो सकता है आपको अभी याद ना आ रहा हो, ऐसे दो रूट्स होते हैं, एक रूट होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉप रूट और एक को कहते हैं स्टिल्ट रूट। सबने बैनियन ट्री में वो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स लटके होते हैं उसको देखा होगा, दे आर एक्चुअली रूट्स एंड दे आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट्स। और उनका काम क्या है, प्रॉप रूट्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, प्रॉप रूट्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। तो सबसे पहली चीज आप यहां लिखोगे, पहला इस प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, और दूसरा मैंने यहीं पे बताया, राइट इट डाउन हियर ओनली, दैट इज स्टिल्ट रूट। दोनों पे चर्चा करेंगे कि है क्या ये। प्रॉप रूट देखते हैं, बैनियन ट्री सबने देखा, ठीक, बैनियन ट्री बड़ा सा सबने देखा है। बैनियन ट्री में जो स्ट्रक्चर लटके लटके से होते हैं, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज प्रॉप रूट। एग्जाम्पल बोल दिया मैम ने कई बार, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज बैनियन ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आज ही सुबह क्वेश्चन लगाते वक्त मुझे एक क्वेश्चन मिला कि क्या प्रॉप रूट्स में रूट कैप होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होती है, तो क्या लगता है आपको प्रॉप रूट्स में रूट कैप होती होगी क्या? अगर आपको लगता है तो जस्ट कमेंट इट, और नहीं लगता है तो भी ठीक, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट आंसर्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताना है कि क्या रूट कैप है या नहीं, प्रॉप रूट में रूट कैप है या नहीं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट, शुगर केन, स्टिल्ट रूट शुगर केन, ये हमारा स्टेम है, हमारी स्टेम है किसकी, शुगर केन की। शुगर केन में हमने देखा कि शुगर केन में कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। क्यों, पहली बात एडवेंटिशियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लोअर नोड से निकली है, ठीक है, और क्या कर रही है, लोअर रूट्स नोड से वो रूट्स निकल के सपोर्ट का काम कर रही है। दो बातें हैं, एडवेंटिशियस भी है और सपोर्टिव भी है। एडवेंटिशियस क्यों है, क्योंकि भाई डायरेक्ट रेडिकल से नहीं निकल रही, कहां से निकल रही है, नोड से निकल रही है, नोड से निकल रही है इसलिए एडवेंटिशियस है, और सपोर्ट में काम कर रही है इसलिए हमने इसको मॉडिफिकेशन में लिखा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल विल बी वॉट, शुगर केन। वन मोर एग्जाम्पल विल बी मेज, मेज एंड शुगर केन आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द सपोर्ट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक, दो एग्जाम्पल ये हो गए, शुगर केन, मेज, बैनियन ट्री, डन। ठीक है, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में दो पढ़ा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और सपोर्ट के लिए। एक और चीज है, एक और चीज है, जरूरी चीज है यार, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए है, दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। लेट्स गो विद द रेस्पिरेशन पार्ट। फॉर रेस्पिरेशन तो यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे कि कुछ एरियाज में देखा गया है कि दे दीजिए, कुछ एरियाज में देखा गया है कि यार कोई चाय के लिए पूछ रहा है तो मना कैसे कर सकते हैं, चाय तो मतलब इसेंशियल फॉर लाइफ जैसी चीज है, जैसे रेस्पिरेशन है वैसे चाय है। तो दिस इज टू ऑल द चाय लवर्स, चलिए ओके। पानी है, ठीक है, स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मतलब मार्शी, दलदल वाले एरियाज में होते हैं ये। क्या होता है कि हमने देखा कि कुछ रूट्स यहाँ से ऐसे बाहर निकल आती हैं, ठीक है, कुछ रूट्स ऐसे बाहर निकल आती हैं और क्या करने लगती हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोले तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने लगती हैं थ्रू अ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम। दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेंटी सेल्स एंड दिस येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, दिस कॉनिकल येलो कलर स्ट्रक्चर Which is responsible for the respiration is called as pneumatophores, जो कि modification है pneumatophores, these are called as pneumatophores। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक statement लिखेंगे कि in swampy areas, swampy के साथ आप लिख सकते हो यहाँ पे marshy areas, many roots in swampy areas, many roots comes out vertically to perform respiration।
many roots comes out vertically to perform what? To perform respiration. They are called as nematophores. They are found in swampy areas, and the example will be one, that is rhizophora. Rhizophora. इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा. तीन मॉडिफिकेशन, रूट्स के तीन मॉडिफिकेशन. क्या? पहला, खाना स्टोर करने के लिए, ठीक है. उसमें हमने टैप भी पढ़ा, एडवेंटिशियस भी पढ़ा. टैप में अपने ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? रैडिश, कैरेट और टर्निप. और एडवेंटिशियस में हमने पढ़ा स्वीट पोटैटो. दूसरा मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा फॉर सपोर्ट. सपोर्ट के लिए दो तरीके के रूट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं प्रॉप रूट, एक को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट. Prop roots are found in banyan tree, ठीक है. The question was कि root क्या होती है कि नहीं. And the second is stilt root. Stilt root is found in where? Sugar cane and maize. यहाँ पे आप चाहो ना तो एक चीज लिख सकते हैं, crux जिसको कहते हैं NCRT का. NCRT लिखती है कि यहाँ पे roots arises from the lower nodes. ये याद रखना आप लोग, roots arises from the lower nodes. स्टेम के लोअर नोड से रूट अराइज होती है और किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प करती है सपोर्ट में. रेस्पिरेशन, राइट इट डाउन फास्ट. Done, then let's get started with what? Stem. Root हमारा खत्म हो गया. Let's start stem. Stem के बारे में हम लिखेंगे कुछ जनरल चीजें, जैसे what is stem? What is stem? पहले कुछ जनरल चीजें जो हम लोगों ने जैसे root पे लिखी थी. It is positively what? Phototropic. Positively phototropic. मतलब धूप देख के जिधर light होती है उधर stem grow करती है. This is negatively hydrotropic. This is negatively geotropic, guys. Negatively geotropic. This is negatively geotropic. ठीक, ये दो बातें. उसके बाद some general characteristics, that is first stem. क्या यार? It is the ascending part. It is the ascending part of the plant axis. Ascending part of the plant axis which bears what? Stem के पास क्या क्या है? सब कुछ है. Stem के पास ही तो है सब. Which bears leaf, branches, flower, fruit, etc. सारी चीजें हमारी कहाँ होती है? सारी चीजें हमारी स्टेम पे ही तो होती हैं, ठीक. उसके बाद डेवलपमेंट में आते हैं. एम्ब्रियो में ये किस पार्ट से डेवलप्ड है? जैसे रेडिकल पार्ट से हमारे रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, ये किससे डेवलप्ड है? इट डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. इट डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. प्लीम्यूल पार्ट से डेवलप होती है एम्ब्रियो के. जब एम्ब्रियो जर्मिनेशन होता है तो उसके प्लीम्यूल पार्ट से जर्मिनेट होती है. रूट्स पे हमने एक चीज लिखी थी कि रूट्स के पास नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होते, बट इनके पास होते हैं. इट बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स. नोड्स और इंटर नोड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. इसी नोड से लीव अराइज होती है, ठीक है. लीफ में पढ़ेंगे ये वाला पार्ट. उसके बाद स्टेम हेयर के बारे में बात करते हैं और स्टेम बड के बारे में बात करते हैं. स्टेम एक चीज और बेयर करती है. स्टेम बियर्स बड्स इन इट्स एक्सिल. व्हाट इज एक्सिल? ये स्टेम है. लेट सपोज कोई ब्रांच निकली या लीफ निकला कुछ भी, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज क्या? एक्सिलेट पोजिशन. ये एक्सिल. तो इनके एक्सिल में क्या होता है? बड पाई जाती है, ठीक. एक बात आप ये याद रखोगे, इनके एक्सिल में क्या पाई जाती है? बड्स पाई जाती है. उसके बाद हमारा लास्ट है पॉइंट यहाँ पे जनरल, स्टेम हेयर्स क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स.
स्टेम हेयर्स और रूट हेयर और स्टेम हेयर में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं और स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं. तो स्टेम बियर्स मैनी मल्टीसेलुलर हेयर्स bears many multicellular hairs called as trichomes. काम क्या करते हैं बाहर के लिए तो definitely protection का काम करेंगे which helps in protection. Helps in protection. Write it down. ये पांच characteristics होंगे हमारे stem में. उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम. प्रिम्यूल पार्ट से डेवलप होता है नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. जैसे स्टेम होती है दिस इज कॉल्ड एज नोड एंड ये जो बीच का पोर्शन है ये इसको हम कहते हैं इंटरनोड और ये क्या है नोड्स. तो नोड्स और इंटरनोड्स आपको स्टेम में देखने को मिलेंगे. मॉर्फोलॉजी इज इजी इफ यू आर अ लिटिल बिट कनेक्टेड विद नेचर. अगर आप नेचर से थोड़ा कनेक्टेड हो ऑब्वियसली सब होते हैं सबने हाथ में कभी ना कभी गुलाब का फूल पकड़ा होगा तो उसमें नोड्स दिखते हैं हमें थॉर्न्स दिखते हैं उसमें. ठीक उसके बाद स्टेम के बाद स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स के बाद जिसे अब एक चीज का हमने जिक्र किया बड. क्या होता है बड? छोटा सा बड. छोटा सा बड इज सिंपली यंग इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट. यंग इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट. अ बड इज अ यंग इमेच्योर कॉम्पैक्ट शूट. थोड़ा सा बड के बारे में जानकारी ले रहे हैं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. बट on the basis of their nature can be of three types. Buds on the basis of their nature can be of three types. Three types. Buds on the basis of nature can be of three types. Kaun kaun se? Vegetative. Vegetative, floral and adventitious. वेजिटेटिव फ्लोरल एडवेंटिशियस तीन तरह के आपको बर्ड्स मिलेंगे. वेजिटेटिव फ्लोरल और एडवेंटिशियस. जल्दी खत्म करते हैं. वेजिटेटिव बर्ड क्या करती है इट प्रोड्यूसेस ब्रांचेस. जो ब्रांच बनाती है वो कौन है वेजिटेटिव बर्ड कहलाती है. फ्लोरल बर्ड. फ्लोरल बर्ड नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे प्रोड्यूसेस फ्लावर. प्रोड्यूसेस फ्लावर. अब एडवेंटिशियस बर्ड गाइस एडवेंटिशियस बर्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक्सिलरी और एपिकल. ये हमारा स्टेम है यहाँ पे कोई भी चीज हम का फॉर्मेशन हो रहा है. बर्ड अगर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं एपिकल बर्ड. लेकिन बर्ड अगर यहाँ प्रेजेंट है तो हम उसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड. सबके अपने अपने अलग मॉडिफिकेशन है. जैसे अभी हम थॉर्न्स पढ़ेंगे टेंडल्स पढ़ेंगे वो सारे कहाँ से आएंगे एक्सिलरी बर्ड से बढ़ेंगे. दिस इज एपिकल बर्ड. ठीक तो सारी बर्ड्स के बारे में समझ गए हम लोग. एपिकल क्या है टर्मिनल क्या है इसको आप टर्मिनल भी कह सकते हो. टर्मिनल बर्ड टर्मिनल या फिर एपिकल बर्ड और दूसरी हो गई हमारी एक्सिलरी बर्ड. ठीक और कुछ छूटा नहीं. उसके बाद आ जाओ फंक्शन ऑफ स्टेम. फंक्शन ऑफ स्टेम इज वेरी इजी. स्टेम के पास लीफ होती है. लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टेम भी खाना बनाने में मदद करती है. लेकिन उससे पहले उससे भी इम्पोर्टेंट काम है फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम का फंक्शन ट्रांसपोर्ट. जितना भी खाना लीफ में बन रहा है या फिर कहीं भी मिनरल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका ट्रांसपोर्ट किस कौन कर रहा है स्टेम कर रही है. तो लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ Transport of water, minerals and food. Water, minerals and food. इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करती है. उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि लीव्स है इसके पास जो खाना बनाएगी तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इसको मेंशन करते हो कि इट बियर्स लीव्स एंड ब्रांचेस. लीव्स एंड ब्रांचेस ये दो मेजर ऐसे फंक्शन है स्टेम के जो हम लोग जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक
फिर क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ लिए, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रूट में देखा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने अपने फंक्शंस को छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, वैसे ही स्टेम के भी कुछ मॉडिफिकेशन हैं, स्टेम के भी कुछ मॉडिफिकेशन हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लिखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सिमिलरली सेम कहानी चलेगी जैसे रूट में थी। सबसे पहली चीज है खाना बनाना, लिखो फॉर फूड, फॉर फूड या फिर फॉर फूड स्टोरेज। बहुत सारी स्टेम अपने नॉर्मल काम को छोड़ के फूड स्टोरेज करने लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं लाइक पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, जमीन कंद, ये सब कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो क्या करती है, फूड का स्टोरेज करती हैं। एक एग्जाम्पल शायद मिस हो रहा है, टर्मरिक, जिंजर का दोस्त टर्मरिक, क्यों बोला जिंजर का दोस्त उसको, क्योंकि इस तरह के मॉडिफिकेशन को, जैसे फूड स्टोरेज का जो मॉडिफिकेशन है वो साथ में फॉर पेरिनेशन ऑल्सो, पेरिनेशन का मतलब बहुत टाइम तक अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने को पेरिनेशन कहते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ पेरिनेशन भी है, मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्यूबर। जिंजर है तो जिंजर इज राइजोम, यस आई नो दैट यू नो ऑल द आंसर्स। कोलोकेशिया एंड जमीन कंद इज कॉर्म, एंड टर्मरिक जैसा मैंने बताया कि वो जिंजर का दोस्त है तो राइजोम। ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कनेक्ट करती है तीन चार चैप्टर्स को, तो इसका ध्यान रखोगे। उसके बाद फूड स्टोरेज हो गया, दूसरा आएगा फॉर मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, या फिर आप कह लो क्लाइंबिंग और प्रोटेक्शन। सपोर्ट, क्लाइंबिंग और प्रोटेक्शन, सपोर्ट, क्लाइंबिंग और प्रोटेक्शन के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे स्टेम टेंड्रिल्स और स्टेम थॉर्न्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स एंड दूसरा इज थॉर्न्स। स्टेम टेंड्रिल, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, दोनों में याद रखोगे कि दोनों का मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। ये भी अराइजेस फ्रॉम एक्सिलरी बड। अभी देखा था हम लोगों ने कि एक्सिलरी बड क्या है, यहां पे लिखोगे ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम एक्सिलरी बड। ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम एक्सिलरी बड, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद होते क्या है, ये स्टेम टेंड्रिल्स आर ग्रीन, स्लेंडर, पतले और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड, ग्रीन, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। थॉर्न्स कैसे होते हैं, स्मॉल, स्ट्रेट, स्मॉल, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। थॉर्न्स कैसे होते हैं, स्मॉल, स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर। स्टेम टेंड्रिल का काम बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं ये, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग। बल्कि थॉर्न्स क्या करते हैं, थॉर्न्स करते हैं प्रोटेक्शन, कहीं कोई एनिमल आके खा तो नहीं लिया प्लांट को, इस चीज से बचाने का काम। कोई भी एनिमल नहीं आएगा अगर उसके पास थॉर्न्स होंगे, ठीक। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल स्टेम टेंड्रिल में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल गॉर्ज, बिटर गॉर्ज, ओके। एग्जाम्पल इज सम गॉर्ज, दैट इज वाटरमेलन, क्यूकम्बर,
एक्सेट्रा, और गॉड्स के साथ साथ ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। थॉर्न्स की बात करते हैं तो स्टेम थॉर्न का एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, बोगेनवेलिया, बोगेनवेलिया एंड सिट्रस, सिट्रस ऑरेंज लेमन, इन सब में स्टेम थॉर्न्स पाया जाता है। अभी हम लोग लीफ थॉर्न्स और लीफ टेंडल्स भी पढ़ेंगे, क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, एक एग्जांपल छूटा, दैट इज गॉड्स में एक चीज और आती है, पंपकिन, पंपकिन। ठीक, इतनी चीजें थी मॉडिफिकेशन में जो आपको पढ़नी है। ठीक, एक बार फटाफट से छोटा सा रिविजन लेते हैं सेशन का, ताकि हमें चीजें अच्छे से याद हो जाए। तो लेट्स ओके, तो हमने अपना लेक्चर शुरू किया था किससे, फंक्शन ऑफ रूट से। फंक्शन ऑफ रूट क्या है, रूट का काम एंकरेज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन। तो रूट ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, एंकरिंग का काम किया, और सिंथेसिस ऑफ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग राइट ऑक्सिन्स। यहाँ के बाद जब हम लोगों ने इसका मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, तो हम लोगों ने पढ़ा, जब फंक्शन पढ़ लिया तो हम लोगों ने देखा कि यार फंक्शन के अलावा भी ये कुछ चीजें कर रहे हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन। पहला मॉडिफिकेशन उनके रूट के लिए था। अब रूट भाई इनमें दो तरीके की पाई जाती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का अलग मॉडिफिकेशन था और एडवेंटिशियस में अलग। टैप रूट का मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज के एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, हमारे पास तीन एग्जाम्पल है, कैरेट, टर्निप और रैडिश। उसके बाद एडवेंटिशियस में हमारे पास स्वीट पोटैटो। फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, फॉर सपोर्ट के लिए हमारे पास क्रॉप रूट है और स्टिल्ट रूट है। क्रॉप रूट बैनियन ट्री में पाई जाती है, और स्टिल्ट रूट इज प्रेजेंट इन शुगर केन, स्टिल्ट रूट इज प्रेजेंट इन शुगर केन एंड मेज। ठीक है, स्टिल्ट रूट में हमें याद रखना है कि इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में देखा गया कि राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में वाटर के ऊपर कुछ कोनिकल सा स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज नेमाटोपोड, व्हिच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल आपने देख लिया राइजोफोरा। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया स्टेम, स्टेम के कुछ जनरल फीचर्स की बात की, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट है प्लांट एक्सिस का, प्रिम्यून से बनी है। स्टेम क्या है, स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। स्टेम में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा बड के बारे में जाना, वेजिटेटिव बड भी हो सकती है, एडवेंटिशियस भी और फ्लोरल भी। वेजिटेटिव ब्रांच बनाती है, फ्लोरल फ्लावर बनाती है, और एडवेंटिशियस दो तरीके की होती है, एक को कहते हैं टर्मिनल और दूसरे को कहते हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सिलरी क्या करती है, एक्सिलरी क्या करती है, एक्सिलरी टेंडल्स या थॉर्न्स बनाने में हेल्प करती है। तो टर्मिनल क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करती है। ये ग्रोथ हो रही है ना प्लांट की ऊपर की तरफ, तो कौन कर रहा है, टर्मिनल बड इसमें हेल्प कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट वाज फंक्शन, फंक्शन में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का काम करती है स्टेम, और साथ में इट बियर्स लीव, ब्रांचेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने फंक्शन पढ़ने के बाद मॉडिफिकेशन पढ़ा। मॉडिफिकेशन में फूड के लिए मॉडिफिकेशन है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, जमीन का टर्मरिक, ये सारे मॉडिफिकेशन गाइस याद रखना अंडरग्राउंड है, ये सारे मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड है। अभी हम लोग सब एल मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसमें पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, जमीन का और टर्मरिक, पांच एग्जांपल्स बस। ठीक है, सपोर्ट क्लाइंबिंग या प्रोटेक्शन के लिए हमने पढ़ा स्टेम टेंड्रिल्स या फिर स्टेम थॉर्न्स, दोनों ही एक्सिलरी बड से बने हुए हैं। उसके बाद हमें एग्जांपल्स याद रखने, यहाँ पे गॉड्स है, गॉड्स में आ जाएंगे पंपकिन, क्यूकम्बर और वाटरमेलन, और यहाँ पे स्टेम थॉर्न्स जिसका एग्जांपल बोगेनवेलिया और सिट्रस। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतनी चीजें, कल हम कुछ और मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफिकेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और लीफ के साथ कंफ्यूज करता है, क्लेडोड, फाइलोक्लेड, ये सारी चीजें। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे, अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।